हेलो स्टूडेंट, टुडे वी स्टार्ट विद द न्यू यूनिट, दैट इज थर्ड यूनिट, ट्रांसमीटर एंड रिसीवर. इन दैट यूनिट वी सी द लो लेवल मॉड्यूलेटेड ईएम ट्रांसमीटर. ओके, सो सी दिस इज द ब्लॉक डायग्राम ऑफ लो लेवल ईएम ट्रांसमीटर. इन दिस द फर्स्ट ब्लॉक इज स्टेबलाइज्ड आरएफ क्रिस्टल, देन क्लास ए बफर एम्पलीफायर, मॉड्यूलेटर, लीनियर एम्पलीफायर, पावर एम्पलीफायर, एंटीना, क्लास ए एफ एम्पलीफायर, ऑडियो प्रोसेसिंग एंड फिल्टरिंग एंड ए एफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल. ओके, सो सी द ब्लॉक फंक्शंस. ये जो है रेड कलर में जो लिखा है इसमें, ओके, ब्लॉक के ऊपर में, ये शॉर्ट में मैंने लिखा है. ये आपको मेन ब्लॉक डायग्राम में नहीं लिखना है. ओके, ये आपको सिर्फ समझने के लिए मैंने रेड जो लिखा है यहाँ पे सब ब्लॉक का फंक्शंस, ये आपको याद रहना चाहिए शॉर्ट में, इसलिए मैंने यहाँ पे सब लिखा है. सो जब भी आप एग्ज़ाम में ब्लॉक डायग्राम निकालोगे तो ये नहीं लिखना है उसके ऊपर, ठीक है. सो सी द फर्स्ट ब्लॉक, इट इज़ स्टेबलाइज आर एफ क्रिस्टल ऑसिलेटर. सो इट इज़ द फंक्शन, इट इज़ दैट जनरेट द कैरियर सिग्नल. ओके, देन नेक्स्ट क्लास ए बफर एम्पलीफायर, द फंक्शन इट इज़ दैट इट विल इंक्रीज द सिग्नल स्ट्रेंथ. ओके, देन मॉड्यूलेटर, मॉड्यूलेटर का फंक्शन क्या है, कैरियर सिग्नल इज कन्वर्टेड इन टू द एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल. देन लीनियर एम्पलीफायर, लीनियर एम्पलीफायर का फंक्शन क्या है, एम्पलीफाई द सिग्नल स्ट्रेंथ. ओके, देन पावर एम्पलीफायर का इंक्रीजेज एम्पलीफाई ए एम वेव पावर. ओके, देन दिस ब्लॉक दैट इज क्लास ए एफ एम्पलीफायर, द फंक्शन इज इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ द सिग्नल. देन दिस इज द ऑडियो प्रोसेसिंग एंड फिल्टरिंग, द फंक्शन इज रिमूव्स अनवांटेड सिग्नल एरर और डिस्टॉर्शन. ओके, सो फिल्टरिंग मीन्स क्या करता है, इट विल रिमूव अनवांटेड सिग्नल और एरर और डिस्टॉर्शन बोल सकते हैं हम लोग. ओके, और एम्पलीफायर मीन्स इट विल एम्पलीफाई द सिग्नल और इट विल इंक्रीज द सिग्नल स्ट्रेंथ. जो भी सिग्नल स्ट्रेंथ पास हो रही है उसको क्या करेगा, वो इंक्रीज करेगा. ओके, सो स्टेप बाय स्टेप यही जो मैंने लिखा है ब्लॉक के ऊपर में, ये इसको सेंटेंस में आपको लिखना है. सो वन बाय वन आप जो है हम लोग अभी स्टेप बाय स्टेप नोट्स के फॉर्म में देखेंगे. सो सी, फर्स्ट इट इज वर्किंग स्टेबलाइज आर एफ क्रिस्टल ऑसिलेटर जनरेट्स द कॉन्स्टेंट कैरियर सिग्नल. आफ्टर दैट द सिग्नल इज गोइंग टू द क्लास ए एम्पलीफायर, क्लास ए बफर एम्पलीफायर, विच विल इंक्रीज ऑफ एम्पलीफाइंग द सिग्नल स्ट्रेंथ. ओके, यहाँ पे क्या दिया है, जो फर्स्ट ब्लॉक दिया था क्या है, दैट इज द स्टेबलाइज्ड आरएफ क्रिस्टल ऑसिलेटर, और जो है सेकेंड क्लास ए बफर एम्पलीफायर, उसके बारे में बताया. देखो क्या है कि स्टेबलाइज आरएफ क्रिस्टल ऑसिलेटर जनरेट्स कॉन्स्टेंट कैरियर सिग्नल. क्या है, कॉन्स्टेंट कैरियर सिग्नल जनरेट करता है. उसके बाद में आफ्टर दैट द सिग्नल इज गोइंग टू द क्लास ए एम्पलीफायर, उसके बाद में जो सिग्नल है वो कहाँ पे जाता है, क्लास ए बफर एम्पलीफायर को जाएगा, विच विल इंक्रीज, वो क्या करेगा, क्लास ए बफर एम्पलीफायर ऑलरेडी फंक्शन देखा है हम लोगों ने, क्या है, क्या करता है, क्लास ए बफर एम्पलीफायर, इट विल इंक्रीज द सिग्नल स्ट्रेंथ. सो सी द सेंटेंस, इट विल इंक्रीज ऑफ एम्पलीफाई द सिग्नल स्ट्रेंथ. आफ्टर दैट एम्पलीफायर सिग्नल इज गोइंग टू द मॉड्यूलेटर. ब्लॉक डायग्राम में देखो क्या जाता है, ये जो एम्पलीफायर सिग्नल है वो कहाँ पे जा रहा है, मॉड्यूलेटर में. ओके, सो सी द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज ए एफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल इज गोइंग टू ऑडियो प्रोसेसिंग एंड फिल्टरिंग. ओके, जो भी ए एफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है वो कहाँ पे जा रहा है, दैट इज ये जो ए एफ जो भी सिग्नल एम्पलीफाई हो रहा है वो कहाँ पे जा रहा है, दैट इज ऑडियो प्रोसेसिंग फिल्टर में जा रहा है. तो ऑडियो प्रोसेसिंग फिल्टर का फंक्शन रिमूव द अनवांटेड सिग्नल. ओके, सो सी द पॉइंट दैट टू ऑडियो प्रोसेसिंग एंड फिल्टरिंग विच विल रिमूव द अनवांटेड सिग्नल एरर डिस्टॉर्शन, देन द सिग्नल गोज टू द क्लास ए एफ एम्पलीफायर विच विल इंक्रीज और एम्पलीफाई द सिग्नल स्ट्रेंथ. ओके, उसके बाद में ये जो सिग्नल है वो कहाँ पे जा रहा है, दैट इज द आर ए एफ कहाँ पे जा रहा है आपका, सिग्नल विल गोज टू क्लास ए एफ एम्पलीफायर. ओके, बाद में सिग्नल जो है कहाँ पे जा रहा है, क्लास ए
AF एम्पलीफायर मीन्स ये जो AF मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है, फर्स्टली कहा जाएगा ऑडियो प्रोसेसिंग फिल्टर में, उसमें क्या होगा अनवांटेड जो भी सिग्नल एरर डिस्टॉर्शन है वो रिमूव होगा, उसके बाद में जो सिग्नल है वो कहा जाएगा क्लास ए AF एम्पलीफायर। और भी क्लास ए AF एम्पलीफायर क्या करता है, इंक्रीज द सिग्नल्स ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ द सिग्नल। ओके सो वही बोला है इंक्रीज और एम्पलीफाई द सिग्नल स्ट्रेंथ। ओके देन सी द नेक्स्ट, देन द सिग्नल विल गोज टू द मॉड्यूलेटर। मॉड्यूलेटर इज अ टर्म विच कन्वर्ट एनी सिग्नल टू द एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव। ओके उसके बाद में जो है आपका सिग्नल कहाँ पे जा रहा है, गोइंग टू मॉड्यूलेटर। द मॉड्यूलेटर क्या करता है, जो भी कैरियर सिग्नल है उसको कन्वर्ट करेगा एम्पलीट्यूड सिग्नल में। सो वही बता रहा है देखो क्या करेगा, गोइंग टू मॉड्यूलेटर इज अ टर्म विच कन्वर्ट एनी सिग्नल टू द एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव। देन द आफ्टर दैट द AM दैट इज एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन इज गोइंग टू द लीनियर एम्पलीफायर। इंस्टेड ऑफ लीनियर वी कैन यूज अ क्लास ए और क्लास बी, क्लास सी और क्लास ए बी एम्पलीफायर। ओके उसके बाद में कहा जा रहा है जो भी अपना मॉड्यूलेटर का सिग्नल है वो कहाँ पे जा रहा है, लीनियर एम्पलीफायर। लीनियर एम्पलीफायर में कौन कौन से रहेंगे, क्लास ए, क्लास बी, क्लास ए बी, ये एम्पलीफायर रहेंगे और ये क्या करेगा, एम्पलीफाई दी सिग्नल स्ट्रेंथ। सो देखो क्या बोला है, देन लीनियर एम्पलीफायर विल इंक्रीज और एम्पलीफाइज द सिग्नल स्ट्रेंथ। देन नेक्स्ट पॉइंट, देन सिग्नल विल गोज टू पावर एम्पलीफायर विच विल इंक्रीज द पावर। ओके अभी ब्लॉक डायग्राम में देखो, उसके बाद में वो जो है सिग्नल वो कहाँ पे जा रहा है, पावर एम्पलीफायर में जाएगा। पावर एम्पलीफायर क्या करेगा, इट विल इंक्रीज एम्पलीफायर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव पावर और एम्पलीफाई द पावर। ओके सो द सिग्नल नेक्स्ट देन द सिग्नल विल गोज टू द पावर एम्पलीफायर विच विल इंक्रीज द पावर ऑफ AM वेव। आफ्टर दैट द AM वेव इज ट्रांसमिटेड टू द एंटीना। ओके लास्ट में जो है आपका AM वेव जो है कहाँ पे जा रहा है, एंटीना को जा रहा है। ओके सो दिस इज द डिटेल एक्सप्लेनेशन अबाउट द लो लेवल एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन ट्रांसमीटर। सो थैंक यू।